मूवी 2000 करोड़ की कमाई करेगी, ये मेकर्स का भरोसा है। ठीक है, देखो यार, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, जब तक हम फिल्म नहीं देखते, मैं दिलो जान से किसी भी फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि 2000 करोड़ तक का कलेक्शन कंगुवा मूवी करे मेरे भाई। ठीक है, और मेकर्स की ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल काम आए, उनकी फिल्म में क्या है, क्या मजा आएगा, हमें क्या दिखाना चाहते हैं, जो इतनी बड़ी विश्वास वो लोग रख रहे हैं, वो एकदम से कामयाब रहे और वो फिल्म ऐसा मजेदार रहे कि 2000 करोड़ आराम से आसानी से करे। अगर 2000 करोड़ की उम्मीद ये लोग रख रहे हैं तो फिल्म तो उस लेवल का बनाए होंगे, और उस लेवल की फिल्म को हमें देखने को मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं कंगुवा मूवी के बारे में। कंगुवा मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25-26 मिनट समथिंग होगा। मैंने कमल राजू चैनल पे एक वीडियो पे बोल दिया था इसके बारे में। आज के डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंगुवा मूवी में जो 2 घंटे 25-26 मिनट तक का जो रन टाइम है, उसमें से 2 घंटे जो है ना, पूरा का पूरा 2 आवर्स हमें आदिवासी सीन देखने को मिलेगा, पास्ट वाला सीन देखने को मिलेगा, मतलब कंगुआ को देखने को मिलेगा, कंगुआ कैरेक्टर जो है उसको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 25 से 26 मिनट जो है वो फ्रांसिस का कैरेक्टर है, मतलब प्रेजेंट सूर्या का नाम जो है वो फ्रांसिस होने वाली है, उसको हमें 25 से 26 मिनट देखने को मिलेगा। और मैं बहुत पहले से ये अपडेट मुझे देखने को मिला था कि प्रेजेंट वाले हिस्से में ही दिशा पटानी होंगी, मतलब वो जो 25 से 26 मिनट तक का फ्रांसिस का कैरेक्टर जो है उसके साथ ही दिशा पटानी का कैरेक्टर होगा, मतलब दिशा पटानी का किरदार इस फिल्म में ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। यार कंगुआ की हीरोइन कौन है, कंगुआ की ऑपोजिट कौन है, या कोई एक्ट्रेस है या नहीं, या फिर कंगुआ बिंदास है, एलोन है, अकेला है, बस कंगुआ और वो जो बोगीदुल का कैरेक्टर जो है अधीरा धीरा ऐसा कुछ नाम है, उन दोनों का ही लड़ाई है वहां पे, ऐसा ही है, एक नायक की कहानी है, एक लीडर की कहानी है, बस उतना ही है, कोई लव एंगल वगैरह कुछ नहीं है क्या वहां पे। खैर जो भी हो, ये अपडेट है कि 2 घंटे तक हमें आदिवासी वाला जो भी हमें देखने को मिला है ट्रेलर में, टीजर में, हर जगह पे अभी तक वो सारी चीजें जो है 2 आवर्स तक देखने को मिलेंगे, और सिर्फ 25 से 26 मिनट प्रेजेंट टाइम को देखने को मिल रही है। इसी वजह से ये लोग जब भी कोई आउटपुट छोड़ रहे हैं तो वो पास्ट वाला ही छोड़ रहे हैं, प्रेजेंट वाला मतलब छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट वाला ज्यादा है नहीं इन लोगों का। फिर भी लेकिन इस बार जो ट्रेलर आएगा, हमें एक छोटा सा झलक जो है हमें देखने को मिलेगा प्रेजेंट वाला। और फिल्म का प्रमोशन बहुत ज्यादा तगड़े रूप से ये लोग करने वाले हैं। मुंबई का एक प्लानिंग था आज के डेट में, आप लोगों को पता है, बहुत सारे फुटेज वगैरह भी वायरल हो रही है, तो नॉर्थ साइड पे बहुत ही खतरनाक प्रमोशन ये लोग करने जा रहे हैं, और करना चाहिए भी, क्योंकि सूर्या की पहली पैन इंडिया फिल्म है। ओके, पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम पैन इंडिया लेकर के मानते हैं, तो पैन इंडिया फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म लेकर के वो पहली दफा आ रहे हैं, तो उनका फिल्म तो भाई जबरदस्त प्रमोशन मांगता है। तो ये लोग नॉर्थ साइड पे बहुत ही कड़क प्रमोशन करेंगे। मुंबई का सफर आज के डेट में था, और भी कई सारे सफर हैं इन लोगों के, जो कि फिल्म रिलीज होने तक बहुत सारा प्रमोशनल इवेंट वगैरह ये लोग रखे हैं, और फाइनली फिल्म का प्री रिलीज इवेंट होगा जहाँ पे बोला जा रहा है कि डार्लिंग प्रभास आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब तेलुगु स्टेट में, मतलब हैदराबाद में जब प्री रिलीज इवेंट होगा वहाँ पे डार्लिंग प्रभास आएंगे। इसका मतलब ये है कि चेन्नई में भी होगा और भी कई सारी जगह पे होगा, तो प्री रिलीज इवेंट वगैरह काफ़ी सारे हैं। ओके, तो मज़ा आएगा दोस्त, प्रमोशन जल्दी से ये लोग स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आउटपुट छोड़ करके भी प्रमोशन स्टार्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इंतजार करते हैं। कंगुवा मूवी भाई 2000 करोड़ तक की कमाई की उम्मीद है मेकर्स की, और जो दिखा रहे हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो मेहनत है इन लोगों का भाई लगी रहा है ना, देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे मज़ा तो आएगा भाई, आप कंगुवा मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अलग जनरा अलग टाइप का फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता है लिटरली, और कंगुवा मूवी वो वादा कर रही है। ओके, 14 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है।